छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को बवाल हो गया। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। वहीं पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसमें पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग भी घायल हुए हैं। वहीं आगजनी और तोड़फोड़ के चलते बड़ी संख्या में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दर्जनों चार पहिया और दो पहिया वाहन जलकर खाक हो गए हैं। वहीं कलेक्टर और एसपी दफ्तर में भी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऊपर जो मतलब जैतखाम काट लिए जाते हैं और यहाँ भी गिरौदपुरी में भी 15-16 की दरमियानी घटना हुई थी, जिसको पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी विधिवत किया गया। उससे उसी को लेकर के कि हमारे हर जगह ये चीज होते हैं, तो उसी को लेकर के इन लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन अपने समाज को संगठित करने के लिए कि शांतिपूर्वक हम करेंगे, और सभी ने आश्वासन दिया था, जितने भी उनके लीडर्स थे और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी दिया गया था प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक ये रैली एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के और वो सभी जो आए थे उपद्रवी उपद्रव के रूप में जो आए थे, हमारे द्वारा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने बैरिकेड जो जहाँ पे सबसे पहले जो ये बात हुई थी कि कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे, तो वहाँ पे हमारी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी चार जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आकर के वो तोड़ दिए, और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ ये धक्का मुक्की उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकेंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफी ज्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए, हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। के बाद उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पर्याप्त बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्वक जाइए, कार्यक्रम हो गया, लेकिन उनके द्वारा फिर भी वह पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दी।